बहुत ही भरपूर प्लानिंग के साथ इस पूरी घटना को किया गया। इस व्यक्ति को सीरियल देखने का शौक था, क्राइम पेट्रोल व अन्य अपराध से जुड़े हुए सीरियल देखने का शौक था। जो इसने चुनौती पेश करी वो बड़ी डिटेल वाली थी, क्योंकि हम जब ये देख रहे थे कि इस घटना में कौन सी बाइक शामिल है, उनका हुलिया क्या है, लगातार हुलिया बदल रहा था ये व्यक्ति। मतलब जब ये घर से निकला तो कुछ और कपड़े पहने हुए था, जब वो कहीं पर पेट्रोल लेने करके गया तो गाड़ी पे बैठने वालों का सीक्वेंस सब अलग था, वहां से निकलने के बाद पुनः कपड़े बदले गए, जूते बदले गए, बैग बदला गया, गाड़ी के पीछे दिखावे के लिए एक गत्ता बांधा गया था, उस गत्ते को उस गाड़ी से हटा करके दूसरी गाड़ी पे किया गया। ऐसे में जब हम एक सीक्वेंस से दूसरी सीक्वेंस की तुलना कर रहे थे तो उसमें कॉमन एलिमेंट्स हमको मिलने में मुश्किल आ रही थी, क्योंकि एक में अगर सफेद जूता है तो दूसरे में सफेद जूता कोई और व्यक्ति पहने बैठा, पीछे वाला पहने बैठा, तो अजीब सा सीक्वेंस बन रहा था। इसकी वजह से जो वैज्ञानिक अनुसंधान हम कर रहे थे, जो वैज्ञानिक विश्लेषण हम कर रहे थे, उसमें हमको विलंब लगा, लेकिन हमारी टीम ने पूरी प्रोफेशनली इसको हैंडल किया। सीन का रिक्रिएशन एफएसएल द्वारा कराया गया, घटनास्थल की दूरी मीटर्स में नापी गई, उनपे साइकिल चला करके टाइम का अंदाजा लगाया गया, आगे कौन हो सकता है, पीछे कौन, कई चश्मदीद से बात करने की कोशिश की गई, घटना से पहले 3 बार रेकी की गई। यही नहीं, पूरा एस्केप रूट बनाया गया कि कहां से गाड़ी लेकर के हम लोग निकलेंगे, कहां जाएंगे, घटना के बाद कहां मिलेंगे। जो कपड़े पहने थे उनके ऊपर दूसरे कपड़े पहने गए, जूते कह रहा था, उसका कहना था कि 1200 के हैं, महंगे हैं, इसको फेंकना ना पड़े इसके लिए अपने जूते उतार के उसको पहना दिए कि जिसको रेकी का काम दिया था। इस दौरान उसने हाथ में अपने ग्लव्स तक पहने ताकि निशान ना पड़ जाए किसी प्रकार के कंटेनर पर।